अमन, वह ब्रिजमाला मैम का जो परफॉर्मेंस था वो मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा है। क्या शास्त्रीय संगीत खेला था उन्होंने। हाँ किशोर, मैंने भी पूरा 6 साल शास्त्रीय संगीत सीखा है। 6 साल और शास्त्रीय संगीत मेरे रोम रोम में भरे हैं। अरे वाह, कौन से इंस्टीट्यूट से सीखा था तुमने? मेरा इंस्टीट्यूट भागम भाग इंस्टीट्यूट। भागम भाग इंस्टीट्यूट, ये कैसा है? उसमें तुमने 6 साल 6 दिन में कर दिए थे क्या? हाँ हाँ। अच्छा तो ऐसा है, 6 साल सीखा है तो कुछ सुना के बताओ। हाँ बिल्कुल, कैसे? हरे कृष्णा। ये क्या था अमन, तुम्हारा शास्त्रीय संगीत हम जान गए। अगर तानसेन यहाँ होता तो अपना छाती पीट पीट के रो रहा होता कि ये क्या सुन लिया मैंने। अच्छा अच्छा किशोर, तुम्हें जैसे बहुत ही आता है, अगर आता है तो जरा गा के सुनाओ, मैं भी तो देखूं। चलिए, चैलेंज एक्सेप्टेड। जब तक ये अपना सुर और ताल ठीक करते हैं तब तक मैं और आप कुछ गपशप कर लेते हैं। आपने तो जरूर देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति, कितने लोगों ने देखे हैं। तो आज हम क्या यहां पे बनेंगे? आज हम ये बनने का कोशिश करेंगे कौन बनेगा कृष्ण का भक्त। आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप लाइफलाइन भी ले सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं, और मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। Who was the गुरु ऑफ कृष्णा? कृष्ण के गुरु का नाम क्या था? Who was the गुरु ऑफ कृष्णा? कृष्ण के गुरु का नाम क्या था? आपका उत्तर होता है सही। सचिन प्रभु, उनको गिफ्ट दें। अब दूसरा प्रश्न लेकर आता हूं। कृष्ण के किन्हीं दो नाम बताएं? कृष्ण के किन्हीं दो नाम बताएं? कुछ बोल रहे हैं? हाँ माता जी, आपका उत्तर होता है सही। सचिन प्रभु, उनको हमारी तरफ से छोटी सी भेंट दी जाए और माता जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। तो अब हम देर नहीं करते हैं और जो हमारा परफॉर्मेंस है वो तैयार हो चुके हैं, तो इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। म्यूजिक परफॉर्मेंस बाय आईटी के स्टूडेंट। धन्यवाद।
के वॉइस के द्वारा बहुत ही सुंदर भजन का यहाँ पर परफॉर्मेंस किया गया, तो इनके नाम पर जोरदार तालियां से स्वागत करें इनको। और माता जी एक आपके सामने एक भजन लेके प्रस्तुत हैं, माता जी को जोरदार तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद। Thank you.
बंधु छोड़ा छोड़ा सका सो साधु संग बैठ बैठ साधु संग बैठ बैठ लोक लाज कोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई भगत देख राजी हुई जगत देख रोई आसुवन जल सींच सींच आसुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई फैल गई जाने सब कोई मेरा इन लगने लगी मेरा इन लगने लगी होने हो सो हो रे मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई दूसरा बहुत ही सुंदर माताजी के द्वारा भजन प्रस्तुत किया गया यहाँ पे। तो इनको जोरदार तालियों से स्वागत करें। तालियां बज रही कि नहीं बज रही है भाई ओआईटी में? कुछ मजा सा नहीं आ रहा है, लग रहा है कि हम थक गए हैं। आखिरकार जो जगह हैं और जो हॉस्टल में सो रहे हैं तो हम इतनी जोर से तालियां बजाएं कि उनकी नींद खुल जाए। तो एक बार जो बात तालियां से पूरा ओटी गुनना चाहिए। ये कौन सा हरकत है केशव? और ये तुम बत्तख की तरह नृत्य कर रहे हो? ये तो मेरा बेस्ट नृत्य है। दिस इज माय बेस्ट परफॉर्मेंस। रात भर प्रैक्टिस किया था मैंने इसका। अरे ये भी भला नृत्य होता है? नृत्य तो महादेव का तांडव श्री कृष्ण का कालिया। केशव क्या आपको पता है श्री भगवान कृष्ण का कालिया नृत्य के बारे में? हाँ, मेरी मैया बचपन में सुनाया करती थी कालिया नृत्य के बारे में। हेलो, मेरी मैया बचपन में मुझे कालिया नृत्य के बारे में बताया करती थी। वह एक बहुत सुंदर गीत गाया करती थी। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी धर 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 मुरली अधर भर भर स्वर मधुर अधर कर कर नटवर स्वरूप।
सुंदर सुखकारी घन 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 बजत ताल ठुम 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 चलत चार चरणन छन 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 नूपुर धुन प्यारी घिर 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 करत गान फिर 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 देत तान मिल 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 रचत रास संग गोप नारी चम 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 बदन चम हस 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 हसन मन ब्रह्म नंद 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 जाऊं बलिहारी। आनंद आ गया किशोर। तो इसी प्रकार अब जो नेक्स्ट डांस परफॉर्मेंस है वो है गोटीपुआ के द्वारा, जो कि दश अवतार कृष्णा के दश अवतार के बारे में वर्णन करेंगे। और जो हमारे बीच गोटियापुआ जो आए हैं वो वृंदावन से चल के आए हैं, तो उनके नाम पर एक जोरदार तालियां से उनके स्वागत होनी चाहिए। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गोटीपुआ।
हने हने कर यसे कर पालं भूमकतुमेव किमापि करालं केशव भूत कल्कि शरीर जय जगदी सहरे जय जगदी सहरे जय जगदी सहरे से जाय देव कवेरी तं
राधा मगर सखान दे
gama gama da ma da ni sa ni da ma pa da ma ga ri na ta de na pa da ta ga ta
Chandanpur of Odisha. This Gotipio dance has its origin in Jagannath temple. Way back, 500 years back, Srila Ramananda Rai used to patronize this dance form for the pleasure of Lord Jagannath. Nowadays, very few people are there left who are patronizing this, and he's one of them. He has a very humble setup in Chandanpur to train students in this particular form of dance. Recently, he wants to develop a Natya Mandap for which the government of Odisha has given him 3 lakh rupees. But he needs another 5 lakh rupees to complete his Natya Mandap. I request any one of you who would be generous enough to donate, please contact me or him. And that will help him in a great way to continue this wonderful tradition. We have been blessed, and I also request any one of you who want to make any donation for his Natya Mandap, you are most welcome. Thank you. We would like to request... Bahut bahut dhanyavaad, sir. We would like to request Professor Jai Ram Kumar to please come upon the stage and give the prizes. Just wait. Keshav, lagta dil mange mor. To ek bar puna, inke swagat ke liye ek bar jordaar taaliyan honi chahiye. Gotiyapuva group ke liye. Jaise lag raha tha ki hum Vrindavan pahunch gaye, kya Vrindavan yahan aa gaya. Jaise lag raha tha ki Krishna nagari aaj yahi bas gaya hai. Please give a big round of applause. तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए भरपूर। तो इनके लिए मैं कुछ अंग लाइन पढ़ना चाहूंगा। बाके बिहारी का नाम लो सहारा मिलेगा, बाके बिहारी का नाम लो सहारा मिलेगा, ये जीवन ना तुमको दोबारा मिलेगा। डूब रही अगर कश्ती मझदार में, डूब रही अगर कश्ती मझदार में, कृष्ण के नाम से सहारा मिलेगा। अरे केशव, जब तक हमारे नेक्स्ट परफॉर्मेंस सेटअप अपना तैयार करते हैं, तब तक मैं बहुत दिनों से कंफ्यूजन में हूं। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने संगीत तो सीखा है, पर यह समझ नहीं आता है राग इतने अलग अलग प्रकार के क्यों होते हैं। क्या केशव तुम्हें पता है? अमन, राग एक प्रेयर है जो गोपियां श्री कृष्णा के लिए गाया करती थी। हर राग का एक अलग मूड और समय होता है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे राग काफी इस तरह है। होरी खेलत नंदलाल हाँ सखी, होरी खेलत नंदलाल ब्रज में धूम मचाए, गोपी गोपियन संग खेलत गुलाल रंग करत उछाल सखी, होरी खेलत नंदलाल। तो यह राग यह दर्शाता है किस प्रकार कृष्णा और गोपियां होली के रंग में खेल रहे हैं आपस में। और इसी प्रकार जैसे राग भैरव जो कि संध्या के समय में गाया जाता है, जो कि इस प्रकार है। धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, सुलक्षण गिरधारी, सुलक्षण गिरधारी, छवि सुंदर लागे अति प्यारी, धन धन मूरत कृष्ण मुरारी,
sagama sagama pa gam dha dha pa dha dha pa ma pa ga ma re re sa. इसी प्रकार हर एक राग का अलग मूड होता है और सभी राग कृष्णा की स्तुतियां ही हैं। हाँ केशव, समझ में तो आ गया।